व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद से मैंने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी में ये व्यवस्था होती है, पदों की व्यवस्था होती है, परंतु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करते हैं। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते मैंने काम किया और मैं निरंतर इसी प्रकार एक अनुशासित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते निरंतर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान प्रदेश में मजबूत करने के लिए कार्य करता रहूंगा। इस राष्ट्रीय कार्य समिति का भी सदस्य आपको बनाया? मैंने कहा ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है जिम्मेदारी देने की। अब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे स्थान दिया है, तो निश्चित रूप से अपनी क्षमताओं के अनुसार मैं उसमें कार्य। चुनाव हार से तो नहीं है? जो उपचुनाव देखिए, कभी भी मैंने पहले भी कहा था कि यदि पार्टी जीतती है तो सम्मिलित रूप से जीतती है और यदि पार्टी हारती है तो सम्मिलित रूप से हारती है, किसी व्यक्तिगत रूप से कोई भी जिम्मेदारी इसमें नहीं तय। थैंक यू। मैंने मेरी व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण 16 अप्रैल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह को मैंने मेरा त्याग पत्र भेज दिया था। मैंने पहले भी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस पद की गरिमा को बनाते हुए राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। अब भी एक भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं निरंतर राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत करने के लिए निरंतर काम करता रहूंगा। क्या कुछ कारण रहे सर? कोई कारण नहीं है, मेरी व्यक्तिगत व्यस्तता है जिसके कारण मैंने मेरा अपना त्याग पत्र दिया है। अब भी मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। जी सर, थैंक यू।